आजाद देश में आजादी, अम्बेडकर वाली आजादी, अश्वास वाली आजादी, तो फूले वाली आजादी, फातिमा वाली आजादी, तो भगत सिंह की आजादी, तो भगत सिंह की आजादी, तो जय वाली आजादी, तो चंदू वाली आजादी, तो मिलकर लेंगे आजादी, अरे गांधी वाली आजादी, है हक हमारी आजादी, है हक तुम्हारी आजादी, दो लड़के ले लो आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हर समय मोदी आजादी, हर दंगाइयों से आजादी, दो भाजपाइयों से आजादी, दो झूठ मूठ से आजादी, दो छुआ छूत से आजादी, दो मिलकर बोलो आजादी, दो जोर से बोलो आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, तुम कुछ भी कर लो आजादी, तुम पुलिस बुलाओ आजादी, तुम डंडे मारो आजादी, तुम गोली चलाओ आजादी, तुम जेल में डालो आजादी, हम नहीं डरेंगे आजादी, हम नहीं झुकेंगे आजादी, हम नहीं रुकेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, है हक तुम्हारी आजादी, है हक हमारी आजादी, है जान से प्यारी आजादी, तो मिलकर बोलो आजादी, तो मिलकर बोलो आजादी, बाहर में मांगे आजादी, तो बस में मांगे आजादी, तो रेल में मांगे आजादी, तो खेत में मांगे आजादी, अरे प्यार करने की आजादी, शादी करने की आजादी, अरे हाँ कहने की आजादी, तो ना कहने की आजादी, खाने पीने की आजादी, और लिखने की आजादी, तो एनआरसी से आजादी, तो एनपीआर से आजादी, तो सीएए से आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हर समय मोदी आजादी, वो कुछ भी कर ले आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, तो जोर से बोलो आजादी, तो प्यार से बोलो आजादी, तो मिलकर बोलो आजादी, तो मिलकर बोलो। क्या मर्द, क्या औरत, क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या हिंदू या मुस्लिम, सब मैदान में आ चुके हैं और एक दोन सवाल करवा काही तुम्ही सांगला टिकून एक दोन सवाल कर रेस्पॉन्स किती आलो हम सबसे पहले पैदा करने वाले का शुक्र अदा करते हैं कि उसकी तौफीक और हमारे नौजवानों की सलाहियतों की सलाहकंदगी से आज का ये पुनम इजाद बड़ी कामयाबी के साथ इंतजाम मजबूत हुआ। शुक्र अलहमदिल्ला। हम इस मौके पर आप देखते हैं कि मुल्क के मौजूदा जो कुछ हालात हैं वो दिन ब दिन तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। मुल्क के अजीज में बरादरान वतन भी मुल्क की इस तबाही को महसूस कर रहे हैं और मुसलमानों के शाना बशाना खड़े हुए हैं। हम देखते हैं कि इस वक्त खवातीन ही नहीं बच्चे भी इस जो एहतजाज में शरीक हो रहे हैं। आज का एहतजाज इस बात का सबूत पेश किया कि यहाँ की आवाम है कि हम मुल्क के एहतजाज में चाहे वो शाहीन बाग का एहतजाज हो या कहीं और इलाकों का, उसमें हम भी उनके हौसलों और उनके अजायम में पूरे के पूरे शरीक हैं। इस वक्त हम खुसन मीडिया वालों का और पुलिस वालों का भी तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं यहाँ के अवाम के साथ कि उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा साथ दिया। हम इस बात का ये तोहफा रखते हैं कि इस पतंग के जरिए से हो सकता है पतंगें हमारी नज़र तक पहुँच जाएँ, उस पर हमारी नज़र पहुँच जाएँ, लेकिन मीडिया की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जहाँ हमारे वाम और गवान में भी ना हो बल्कि मुल्क के कोने कोने में बल्कि दुनिया के कोने कोने में इस पैगाम को यहाँ के मुड़ेशर के अवाम ने अमन पुरअमन तरीके से जो पैगाम दिया है उसको पहुँचाने में हमारा ताउन करें, तो हम आपके मशकूर हैं। एक सवाल आपसे ये है कि जो इस तरीके से मुजाहरे किए जा रहे हैं तो इसका फ़ायदा क्या नजर आ रहा है? देखिए, हमें जो हुक्म हुआ है और हम जो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं उसके ही हम मुकल्लफ हैं। इसके नतीजे हम अल्लाह ताला पर छोड़ेंगे और अल्लाह ताला ही
جو ہے حکومتوں کو بدلنا اور لانا اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. تو ہم اس وقت ہماری جو ذمہ داری ہے کہ ملک میں جو کچھ فرقہ پرست عناصر ببانگے دہل جو ہے ملک کو تباہی کے دہانے پر جو لے جا رہے ہیں, ہم بھی مردانہ وار اس کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور اس کا مقابلہ کریں. پھر نتائج کا جہاں تک معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ پر ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ وہی جو ہے اس کا نتیجہ کریں. تمام اہل بڑیشور بھی آپ تمام حضرات کے سن کیکنس آن لائن کی طرف سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ماشاء اللہ اپنا قیمتی وقت مختلف مشغولیات کو چھوڑ کر آپ لوگ یہاں پر حاضر ہوئے اور ہمارے ساتھ